ये देखें कितना सॉफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अचारी रोगनी नान। तो रोगनी नान तो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूं, लेकिन आज हम बनाएंगे अचारी रोगनी नान, जिसे हम बनाएंगे शिंगरेला के मिक्स पिकल के साथ। तो मजे का चटपटा सा रोगनी नान बनाने के लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैदा लेंगे 2 कप, दही लेंगे 4 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, ईस्ट लेंगे 1 टीस्पून, पाउडर चीनी लेंगे 1 टीस्पून, अगर नहीं है तो वैसे भी दाने वाली ले सकते हैं। बेकिंग सोडा लेंगे 1/4 टीस्पून, बटर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, मेल्टेड बटर लें, पाउडर मिल्क लेंगे हम 2 टेबल स्पून और हसबे जरूरत नीम गर्म पानी लेंगे। मैदे में डालेंगे मिल्क पाउडर, पाउडर चीनी, नमक, ईस्ट, बेकिंग सोडा, मिक्स करेंगे। दही डालेंगे इसमें, बटर डालेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो को गूंद लेंगे। अब अच्छी तरह से हमने इसको गूंदना है तब तक जब तक ये चिपकना बंद ना हो जाए, तकरीबन 5-10 मिनट तो लगेंगे ही। अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे गूंद लिया। इसका पेड़ा बना के इसको कवर करके रख देंगे, राइस होने के लिए रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। तो मैं इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर रही हूँ। अगर प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किचन टॉवल से भी कवर करके रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो किसी बॉक्स में से बंद करके भी रख सकते हैं। तो आप इसे राइस होने के लिए रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। डो को निकालेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, पेड़े बना के इसको हम प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और हम अचार को निकाल लेंगे। तो अब हम रेडी करते हैं अचारी रोगनी नान, जिसमें हम डालेंगे शिंगरेला का मिक्स पिकल, मतलब अचार, हसबे जरूरत, और ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे कलवंजी। अगर आपके पास कलवंजी है तो डालें, अगर नहीं है तो आप तिल भी डाल सकते हैं। अब अचार को हम निकाल लेंगे। तो मैंने इसमें से तकरीबन निकाला है 4 टेबल स्पून भर के अचार, बाकी का कवर करेंगे और इसको हम मैश कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जितनी इसमें से गुठली निकलेगी वो हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये निकाल के यहाँ पे रखते जाएंगे। तो ये देखिए, अचार हमारा मैश हो चुका है हल्का हल्का सा। इसे हम साइड पे करेंगे और पेड़े को लेंगे, एक पेड़े को पकड़ेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, प्रेस करेंगे और इसमें अचार डालेंगे। और यहां से उठाएंगे इस तरह, इसको बंद कर देंगे, मैदा डस्ट करेंगे ऊपर और हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे और इसको बेलेंगे। दबा के नहीं बेलना, हल्का हल्का बेलना है। इसे हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे, हो गया। और इस तरह से निशान डाल देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे कलवंजी, हो गया। तो अब आप चाहें तो आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं। अवन को प्री हीट कर लें 200 डिग्री पर रख के 15-20 मिनट के लिए, और इसे बेक कर लें 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर रख के। और अब इसे हम करेंगे तवे पे, तो एहतियात से आपने उठाने, एक तवा ले लिया और फ्लेम को ऑन कर दिया। तवा हमेशा अच्छा गर्म होना चाहिए, अच्छा गर्म होगा तो नान डालेंगे तो नान साथ में चिपक जाएगा, वरना नहीं चिपकेगा। तो आप अक्सर हमसे शिकायत करते हैं कि जो हमारा नान होता है वो तवे पे चिपकता नहीं है।
तो आप इस तरह का तवा इस्तेमाल करें, इस तरह के तवे पे नान जरूर चिपकेगा। तो ये है अल्मोनियम का तवा, तो इस पे चिपक जाएगा। और ये जो नान है ना, इसकी पीछे वाली साइड पे भी हमने पानी लगाना है, पानी के बगैर ये नहीं चिपकेगा। जब हमें लगेगा ना कि इस पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए, नान पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसकी साइड इस तरह चेंज करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे इस तरह से इस पे हीट जाएगी और नान हमारा पक जाएगा। तो ये देखें, अगर आपका नान इस तरह से, तो ये देखें नान पीछे से हो चुका है। और अगर नान चिपक नहीं रहा तो फिर से पानी डालें और इस पर चिपका दें। तो जैसे ही इस पे सारा कलर आ जाएगा ना, चारों तरफ से आपने तवे को घुमाना है, ये नहीं कि सिर्फ एक जगह पे रखना है। ये देखें हर तरफ, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो ही गया है और अचार की खुशबू भी आ रही है। तो ये देखिए नान हमारा रेडी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे अचार का ऑयल जो वहां से निकला है, और इसी तरह हम दूसरा रेडी कर लेते हैं। तो तैयार है हमारे अचारी रोगनी नान, बहुत ही मजे के, कलरफुल, और दिखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि अंदर से अचार कैसा लग रहा है। तो ये देखिए पीछे से भी मैं आपको दिखाऊं, वाओ, ऐसा लगता है जैसे अभी बाजार से लेके आए हैं। और सॉफ्ट भी है, ये देखो, ये देखो, ये देखें कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट। और ये अंदर से अचार देखें इसका, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट ठहरो, ये देखो अचार। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये अचारी रोगनी नान की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।